वेलकम माय चैनल जर्नी ऑफ स्टडी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए लेकर के आया हूं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों। देखो यहां पर यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पे m कोई सम इंटीजर है, 3m 3m प्लस की प्लस 1 की फॉर्म में आपको शो करके दिखाना है। और यहाँ पे स्क्वायर का भी यूज होगा, किस तरीके से किसका क्या यूज होगा तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, आपको दिया हुआ है 3m और 3m प्लस 1। अच्छा हमारे पास है ना a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो b की वैल्यू 3 यहां से निकल करके आ जाती है भाई। b जब हमारे पास 3 आ गया तो r क्या होगा, r क्या होता है बच्चों, r की अगर बात करें 0 रिमाइंडर 0 हो सकता है और डिविजर से हमेशा कम होता है। तो डिविजर मेरा क्या है, b 3, तो 3 से क्या होगा, कम होगा, यानी 0 होगा एक तो रिमाइंडर और एक क्या होगा 1 होगा 2 होगा। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ इसकी डिटेल, तो वहां से और अच्छे से जानकारी लेना। तो देखो बच्चों दोस्तों ध्यान से देखना, हम r की जगह यहाँ पे r की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्या आ जाता है, r इज इक्वल टू, देखो एक चीज और पहले, जब b हमारे पास 3 है तो हम इसे लिखेंगे 3q प्लस r। अब देखेंगे यहाँ पे r की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पर तो क्या हो गया 3q प्लस 0, तो ये ऐसी का ऐसी रहेगा ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, स्क्वायर करने को कहा है, स्क्वायर को बोलेंगे एसबीएच स्क्वायर, बोथ साइड दोनों साइडों का स्क्वायर करने पर। तो हम यहाँ पर पहले इस तरीके से लिखेंगे एसबीएस, तो ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। दोस्तों देखो बच्चे जब मैं इसको खोलता हूँ यहाँ पे तो क्या आता है, ये हमारा ए का स्क्वायर आएगा और देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये क्या हो गया क्यू स्क्वायर ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या 9 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 क्यू स्क्वायर, मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। अब ये जो मेरा 3 क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको मैं लेट कर लेता हूँ m में, क्योंकि m यहाँ पे कोई n इंटीजर है तो लेट 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू m। तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आ जाता है हमारा 3m ठीक है। पहली वाली जो उन्होंने हमसे बात कही थी वो हमारी ये यहाँ पर आ गई निकल के, तो ये हमारा पहले वाला आ जाता है हमारे पास ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल टू, देखो 1 रखेंगे, अब हम 1 रखेंगे तो देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो हमारा क्या है 3q प्लस r है, r की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1। अब हमें करना है इसका sbs, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जरूरत यहाँ पढ़ने वाली है, उसका यूज यहाँ पर होने वाला है, तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में क्या होती है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे भाई जहाँ पे a है वहां पे 3q आपको पुट करना है, जहाँ पे b है वहां पे आपको 1 पुट करना है। तो देखेंगे यहाँ से ये होता है a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस a यानी 3q प्लस b यानी 1 ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर ऐसे का ऐसे, 1 का स्क्वायर 1 होता है सभी को पता है, 2 3 6 6 1 6 तो 6q हो गया। अब मैं इसको इस तरीके से ऐसे लिख दूंगा, 6q को 9 के पास लेकर के आएंगे, 1 को लग देंगे पीछे कोने में। देखो यहाँ पे अब मैं यहां से जो है ना 3 कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से ठीक है। तो 3 कॉमन ले रहा हूं तो अंदर क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस और ये 6 की जगह क्या आ जाएगा 2q, ये क्यू है प्लस 1। तो दोस्तों देखो 3 के पहाड़े में 9 3 टाइम आता है, 3 आ गया अंदर, 6 आता है 2 टाइम तो 2 अंदर आ गया। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है इसको लेट कर दो, 3q स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू m, हमने इसको लेट करा तो देखो ये क्या आ जाता है भाई 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये हमारा m हमने लेट किया है, एनी इंटीजर है सम इंटीजर तो उसको हम m रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया m प्लस 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारा ये भी आ गया। अच्छा अभी एक और बचा हुआ है तो इसके लिए मुझे ये आपको रफ करना पड़ेगा, फिर इसके बाद करता हूँ मैं। देखो 2 है ना, हम इसका यूज करेंगे तो थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, देखो हम r इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रखते हैं, तो जब मैं रिमाइंडर को 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हम यहाँ पे कर देंगे इसका sbs यानी स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर। फिर से यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, देखो a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस a यानी 3q प्लस b यानी 2। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखेंगे ध्यान से a स्क्वायर ऐसी का ऐसी। अब देखो
थ्री का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये हो जाएगा 9q2। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और फिर 2 3 6 6 2 12q। अब 12q को लिखेंगे हम 9 के पास, जिससे कि इस तरीके से हम इसको लिखेंगे 12 के साथ यहाँ पे q भी आएगा, प्लस का 4 ऐसे का ऐसी। दोस्तों देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ से 3 कॉमन लूंगा, लेकिन 4 में से कैसे लूं 3 कॉमन, तो इसको ब्रेक कर दो। आप सभी लोग जानते हो कि हम 4 को लिख सकते हैं 3+1, ठीक है, 3+1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिससे कि 1 तो उस साइड रहेगा, इसमें सब में से 3 कॉमन आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका 3 हमने कॉमन लिया, तो अंदर बचा 3q2+4q, क्योंकि 3 के टेबल में 12 4 टाइम पर आता है, और ये आ जाएगा 1, पीछे का 1 ऐसे का ऐसे। जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों, इसको हम मान लेते हैं एम। जैसे हमने इसको एम माना, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3m+1। तो इतना ही आपको करके दिखाना था। आप यहाँ पे कैश देख सकते हो कि उन्होंने बोला था कि 3m या 3m+ की 1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो 3m+1 की फॉर्म में इससे पहले वाला आया था, अब ये भी आया है, तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाता है। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर जाके क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहे, और मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए।